जी हाँ दोस्तों लाजवाब काफ़ी मज़ेदार काफ़ी इंटरेस्टेड काफ़ी नॉलेजेबल काफ़ी जानकारी वाला ऑफिशियली तौर पर इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इग्नू की तरफ से गरभ गजब का नोटिफिकेशन आ है दोस्तों अलग अलग रीजनल सेंटर से अलग अलग प्रकार का आ रहे हैं तो सभी रीजनल सेंटर पर यहां पर देखेंगे दोस्तों जो भी रीजनल सेंटर है वहां पर हम जाएंगे और सभी के नोटिफिकेशन आपको यहां पर बताएं अगर आप इन यहां जो है जितने भी रीजनल सेंटर आपको दिख दे रहे होंगे अगर कोई भी रीजनल सेंटर आप बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं दोस्तों हम अलग अलग रीजन सेंटर से सभी प्रकार का नोटिफिकेशन लेते आए हैं दोस्तों तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए गए तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं यह जो है नोटिफिकेशन करनाल की तरफ से नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर दोस्तों असाइनमेंट सबमिशन को लेकर है जो दिसंबर टी 2020 में जो परीक्षा होने वाले हैं उसको लेकर है तो बता दे दोस्तों असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड सबमिटेड बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दो प्रकार का मोड से आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कर रहे हैं करनाल जो भी रीजनल सेंटर में पढ़ते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बता दें लर्नर कैन बी सबमिटेड देर असाइनमेंट ऑनलाइन यानी थ्रू ई मेल के द्वारा या आप स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन हार्ड कॉपी ले जाकर जमा कर सकते हैं अगर दोस्तों ईमेल के जरिए अगर आप जमा करना है तो जल्दी से फटाफट सभी लोग स्क्रीन शॉट ले ले यहाँ पर देख पा रहे हैं इनोलमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टडी सेंटर का कोड डाला गया और यह ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला गया सभी का ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं दोस्तों इधर आपका जो भी कोड है यह स्टडी सेंटर का कोड यहाँ पर धीरे धीरे करके वन बाय वन करके यहाँ पर दिखाए दे रहे होंगे दोस्तों जबरदस्त खुशखबरी है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर यह भी गाइडलाइन जारी किए गई है देख, दोस्तों देख पा रहे गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है कि इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड सब कॉपी और रिटन असाइनमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफलाइन एट योर लर्नर सपोर्ट स्टडी स्टडी सेंटर नो नीड टू सबमिटेड असाइनमेंट असाइनमेंट अगेन यानी कि दोस्तों अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर सबमिट कर चुके हैं तो दोबारा से आपको असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए कोई दरकरार नहीं अदरवाइज आप असाइनमेंट रद्द हो सकते हैं क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका असाइनमेंट जो है हैंड uh, रिटर्न होना चाहिए विथ क्वेश्चन पेपर के साथ यानी जो भी क्वेश्चन है वो होना चाहिए और कोर्स वाइज होना चाहिए सबमिटेड ओनली अबव द मैंसन ई मेल आई डी यानी ऊपर ने जो ई मेल आई डी मैंसन किया गया उसी ई मेल आई डी पर ही आपको सबमिट करना है इसके साथ साथ दोस्तों यह भी बात लिखे कि सब्जेक्ट ऑफ ई मेल रिटर्न क्लियरली क्लियरली नेम लर्नर ये सब सारा चीज़ जो है होना चाहिए सारा चीज़ दोस्तों क्लियर होना चाहिए तब जाकर यहाँ पर होगा इसके अलावा दोस्तों जैसे कि प्रोग्राम कोड हो वो सब सारे का सारे डिटेल होने चाहिए जो भी पीडीएफ फाइल है वो एक पीडीएफ फाइल में यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों देख पा रहे या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और किस प्रकार से नामांकन करने उसके भी बारे में बताया गया है कि इफ़ इनमेंट नंबर ऐसा दिया गया है प्रोग्राम कोड बी एस जी है और कोर्स कोड इस प्रकार है तो आपको आपको कोर्स कोड इस प्रकार से है दोस्तों तो आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा बनाना यानी पहले इनरोलमेंट नंबर होगा फिर प्रोग्राम कोड होगा दोस्तों फिर स्टडी सेंटर का कोड होगा देन कोर्स कोड इस प्रकार से अपने फाइल का नाम को रखने अदरवाइज आपका परीक्षा जो है कैंसिल हो सकते हैं रद्द हो सकते हैं डू नॉट सेंड स्कैन कॉपी असाइनमेंट मोर देन वंस फॉर फाट पार्टिसिपेंट यानी एक बार से दो बार जो है दोस्तों अपने असाइनमेंट को नहीं भेजने इस बात को ध्यान रखिएगा डॉट सबमिट फॉरवर्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ असाइनमेंट एनी अदर ई दूसरा दोस्तों अदर ई मेल जो पर में दिया गया है उसी ईमेल पर भेजना अगर दूसरे ईमेल पर भेजते हैं तो आपको जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस बात को भी ध्यान रखिएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए इस बात को ध्यान रखिए रिके, रखिएगा यह एक कर्नल जो भी कर्नल रीजन सेंटर से थे वहाँ के लिए यह जो है नोटिफिकेशन दिया गया अगली जो है दोस्तों यह जो है कहाँ कहाँ आइए देखते यह दिल्ली वन के लिए है वनली फॉर लर्नर अपेयरिंग इन जून दो के लिए जो जून दो के लिए है दोस्तों जून दो उसका जो डेट एक्सटेंड कर दिया गया यानी उनको दोबारा से फिर से मौका दिया गया है जो कैंडिडेट जो याद रखिएगा जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर है उसी कैंडिडेट को ही यहां पर मौका दिया जा रहा है कि अगर आप किसी कारणवश अगर उस वक्त अगर अपने असाइनमेंट को नहीं सबमिट कर पा रहे तो फिर से आप हैंड के द्वारा या बाई पोस्ट के द्वारा या गूगल गूगल लिंक के द्वारा जो है दोस्तों आपको यहाँ पर जमा करने हैं और याद रखिएगा आप, आपको दोबारा से सबमिट नहीं करने हैं दोस्तों अगर पाई पोस्ट करते हैं तो या बाय हैंड करते हैं तो आपको ये एड्रेस दिया गया इसी एड्रेस पर ही आप सभी को भेजने हैं जो रीजनल रीजनल जो सेंटर है वहीं पर ही आपको भेजने इसके अलावा दोस्तों आप इसके साथ आपको क्या है? करने होंगे कॉपी ऑफ हॉल टिकट आपको हॉल टिकट जून एग्जामिनेशन के लिए आपको अटैचमेंट करने हैं जो कि सितंबर परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हो रहे हैं और सेकेंड पेज में दोस्तों आपको जो है या, या, जो वन फॉर्म है यह फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे इसके नीचे एक फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म को भी आप सभी को यहाँ पर सबमिट करने हैं इसके साथ साथ यह फॉर्म को भी सबमिट करने होंगे कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड का भी करने होंगे और प्रिंट आउट वैलिड एप्लीकेशन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का जो सेगमेंट है उसका भी और हेड रिटर्न होना चाहिए ये सब सारे चीज़ें जो है आपको एक साथ अटैचमेंट करना होगा दोस्तों यहाँ पर यह भी फॉर्म आप देख पा रहे हैं इसका भी वीडियो के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा पेपर वही चीज़ है दोस्तों पेपर ए फोर साइज का होना चाहिए उसी के विषय में नॉर्मल जानकारी दिया गया अगली है अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट देख पा रहे जयपुर की तरफ से आ रहे गाइडलाइंस फॉर फाइनल ईयर बी एस जून दो सेक्शन के लिए जो दिया गया यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो दिया गया दोस्तों बीस अक्टूबर से लेकर और बाईस अक्टूबर को आपका परीक्षा को कंडक्ट किया जा रहा देख पा रहे बीस अक्टूबर बीस अक्टूबर और बाईस अक्टूबर दस बजे से लेकर यह सब सारे कोर्सेज को आपको जो है यहां पर आपको दिया जा रहा है दोस्तों आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे ये सारे के सारे का आप जो भी कैंडिडेट है बीएससी वाले के लिए उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया देख पा रहे दोस्तों कौन कौन जो है यहाँ पर सेंड यहाँ पर अपियर होंगे इस परीक्षा में उनका जो है तमाम यहाँ पर जो उन सभी का रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर दे दिया गया एक बार आप यहाँ पर देख लें एग्जामेशन सेंटर का कोड है दोस्तों आप यहाँ से फटाफट -पड़ सभी लोग अपने अपने नाम को देख लें इनरोलमेंट नंबर नाम देख लें नीचे बताए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका इसमें नाम है या नहीं अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों ये जो है ये भी खबर जयपुर के तरफ से आ रहे दोस्तों बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर है यहां पर जो आ, लिस्ट ऑफ अप्रूव और नॉट अप्रूव जो प्रोजेक्ट जो दिया गया था दिसंबर 2020 के की परीक्षा के लिए तो किन किन कैंडिडेटों का अप्रूव किया गया है यहाँ पर दोस्तों उसके लिए दिया गया देख पा रहे हैं यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दिया गया है प्रोग्राम कोड दिया गया इन सभी का अप्रूव कर दिया गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एवेट अप्रूवल फॉरम ए एस ओ एस यानी कि दोस्तों इनका अप्रूव अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों देख पा रहे सभी का मैक्सिमम लोगों का यहाँ अप्रूव कर दिया गया है चलिए बहुत ही खुशखबरी बात है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे दरभंगा की तरफ से यह खबर निकल के आ रहे हैं दोस्तों यह भी बीस बीस स्टोर का जो बी वाले के लिए उनका जो है यहाँ पर एग्जामेशन डेट है यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका भी देख लीजिए दोस्तों कि अगर आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं तो आपका भी परीक्षा होने आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं दोस्तों यहां लिस्ट ऑफ एग्जाम बी एस प्रैक्टिकल जून 2020 के लिए जो है प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है उनके लिए यहां पर कर दिया गया है लिस्ट दोस्तों जारी कर दिया गया जिसे स्क्रीन पर आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थियों का यहां पर इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड सभी का सभी चीज़ यहां पर दे दिया गया है दोस्तों फटाफट आप सभी यहां पर अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों नेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन डाटा सीट भेन्यू और गाइडलाइंस टर्म इंड एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल है जून दो के लिए लाइ लाइफ साइंस डिसप्लिन के लिए यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग सेशन में होने वाले हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों पूरे का पूरा अपडेट है इसमें किस किस प्रकार इसीलिए आप सभी इसका भी अपडेट को आप सभी जरूर से जरूर आप देख ले इसको इसको भी इसके बाद दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं अगली नोटिफिकेशन के लिए बी एस सी फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों अपडेट दे दिया गया है देख पा रहे बीस अक्टूबर से भी इनका परीक्षा एक फोर क्रेडिट फोर क्रेडिट बीस और बाईस तारीख को परीक्षा दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं नोएडा से तरफ से यह खबर बिल्कुल भी इग्नू के नोएडा के तरफ से यहां पर आ रहे हैं इसके अलावा दोस्तों अगली नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल एग्जामेशन बी फाइनल के। तो यहां पर जो भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी वो कौन कौन से एलिजिबल है उसके बारे में यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दे दिया गया फटाफट इस इनरोलमेंट नंबर को चेक करें और अपने परीक्षा को दो दें अगर नहीं अगर आपका ही इनरोलमेंट नंबर है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसके अलावा दोस्तों और ख़बर यहाँ पर जा जाते हैं यहाँ पर डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट सीट सी आई टी बी सी बी सी बी एस और बी सी और एम सी ए के लिए जून दो हज़ार बीस के लिए वाइवा के जो है उसका भी यहाँ पर कोर्स जो है कोड जारी कर दिया गया दोस्तों पूरी का को, पूरी कोर्स यहाँ पर जारी कितने कितने बजे से है ये सारे के सारे आप जरूर से जरूर देख ले अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सिल्लीगुड़ी से यह सीधे खबर आ रहा है सिल्लीगुड़ी से देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट को लेकर यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर फिजिक्स है लाइफ साइंस से, से यहाँ पर तमाम ऐसे सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर दिया गया है 20 10 से लेकर यहाँ पर मॉर्निंग साइंस केमिस्ट्री के लिए तो यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सभी विद्यार्थियों के लिए है अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे बी एस फाइनल ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टी जून दो के लिए है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे बीस तारीख से बाईस तारीख के लिए यहाँ पर दिया गया ये जो दोस्तों यहाँ पर गोफुर है गोतपुर है वहाँ उन सभी के लिए सब सारा कॉलेज का दिया गया यहाँ पर देख पा रहे हैं उनका एड्रेस भी दे दिया गया है। अगर दिक्कत है तो, तो दोस्तों यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल करके बात कर सकते हैं अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर कोलकाता रीजन सेंटर से निकल के आ रहे हैं जो भी बी सी एम सी सी आई टी जो कोर्स है उनके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दे दिया गया डेट शीट जारी कर दिया गया दोस्तों सभी लोग अपना अपने यहाँ पर सब्जेक्ट देख ले अगर कलकत्ता के रिलेजनशिपिप से बिलोंग करते अगली जो है दोस्तों बी सी एम सी ए वाले के लिए यहाँ पर कुछ लिस्टेड दिया गया है और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन छः तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे पूरा का पूरा अपडेट पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर दे दिया गया सभी विद्यार्थी इस चार्ट को देख कर अपना अपने एग्जामिनेशन दे अगली खबर की ओर चलते दोस्तों डेट शीट यहाँ पर प्रैक्टिकल जून सेप्टेम्बर परीक्षा के लेकर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यहाँ पर देख पा रहे कुछ यहाँ पर इनरोमेंट नंबर कुछ प्रोग्राम कोड के लेके यहाँ पर पूरा का पूरा अपडेट है तो यहाँ पर दोस्तों हमने, हमने तकरीबन बीस बाईस यहाँ पर जो है दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया जितने भी रीजनल सेंटर में थे सभी का सभी ऑफिस तौर पर हम यहाँ पर बता दें इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक लॉगिन यहाँ पर दिया गया इस लॉगिन को आप जयपुर से बिलोंग करते हैं सी सी के लिए तो आप इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के एक बार लॉगिन करके जरूर से जरूर चेक कर ले आपका प्रोजेक्ट क्या होगा स्टेटस अप्रूवल मिला या नहीं हुआ तो अप्रूवल आसानी से आप यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही गजब का है अगर आप बिलोंग करते हैं जयपुर से तो अगर आप नहीं सक रहे हैं चेक करना तो नीचे कमेंट करके अपने इन नंबर पासवर्ड हमें ज़रूर बताएं हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों ये थे तमाम रीजन सेंटर की तरफ से आने वाले कुछ खबर अगर आपको इसी प्रकार से और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेलका उनको हीट करें जुड़ जाए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग